दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ बमीना विधानसभा के पहलुआ गांव में। इस गांव का हमने निरीक्षण किया तो बहुत सारी गंदगी है, नाली नहीं है। यहाँ की लोग बाग अनेकों समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस विषय में हमने सभी गांव वालों को एकत्रित किया है, उनसे आज बात करते हैं कि उनकी परेशानी क्या है। स्कूल की परेशानी है, नाली की परेशानी है, कई लोग बोल रहे हैं कि हमारा पेंशन नहीं बनी है, कई लोगों की और अन्य परेशानी है। तो आज ग्रामवासियों से बात करते हैं कि उनकी परेशानी है क्या। नमस्ते, आपका क्या नाम है? लक्खू। लक्खू, आपकी क्या क्या परेशानी है गांव में? जो है परेशानी के 70 साल की उम्र हो गई, आज तक पेंशन नहीं गई का उन्हें। तो इसके लिए आपने अपने प्रधान जी से या और कोई लोगों से संपर्क नहीं किया? सबसे क्या लाई। हाँ, तो क्या कहते हैं उस बारे में? कहने बन गई है, बन गए है, बन गए है, बन गए बन गए। तो इसका मतलब क्या है, जब हम ऊपर चले जाएंगे तब बनेगी क्या? तमाई बन है। अच्छा, तो इसके लिए आपने जिनको वोट दिया था, जो आपके प्रतिनिधि हैं, उनसे आप क्यों बात नहीं करते इस विषय में? अब ऐसी कौन ने करा दी, हम क्या करें। चलिए, और आगे के और बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ, ताइए दादा, आपकी क्या परेशानी है इस गांव में? जो है न पेंसिल बंदी जी, और कछु न खालो नहीं आ रहे जी। अगर आप जो आज चुनाव आने वाले हैं, इसमें आप किसको वोट दोगे आप? आपके गांव में विधायक जी कितनी बार हो गए? एक जब से वोट गिरे, जब से आई नहीं। आप, बनी आपकी? नहीं। आपके गांव का विधायक कौन है? बारिशा जी है। आप बताएं भैया, आपकी क्या परेशानी है? सबकी परेशानी है तो हमारी है, वो हमें को ना लगता है। इस गांव में नाली, सड़क, बिजली नहीं बनी। बिजली तो है, बढ़िया आ रही, बिजली बढ़िया आ रही है। शौचालय कितने लोगों के बन गए, कितने लोगों के रह गए हैं? काम लगा हुआ है। आप बताएं भाई साहब, आपकी क्या परेशानी है? आपकी परेशानी जो है कि हमारे जो सामने हमारे बगल को रोड पे कर नहीं पाओ, कर नहीं पाते। अभी जी हालत है तो बरसात में क्या हालत होती है? तो हम पेंट उतार के करने पर, पेंट उतार के करने पर। तो इसकी आपने शिकायत आपके जो प्रधान है, इधर के प्रतिनिधि है, इधर के जो साहब, कई बार क्या मान लो पटवाई नाप साहब सब हो जाएगा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपकी। देखिए भाई, यहाँ जनता कितनी परेशान है, गाँव वासी, किसी की पेंसिल नहीं है, किसी का सिलेंडर नहीं है, कितने परेशान हो रहे हैं। और भी लोगों से हम जानते हैं इस समस्या के बारे में। चाचा राम राम, राम राम, आपकी क्या परेशानी है? सबरी की परेशानी। बताएं क्या परेशानी है आपकी? एक तो जो है रास्ता साफ नहीं कर रहा है जी, लेटरिंग में बन रहा है, गाँव में नहीं जा रहा है जी, बाहर आ रहा है, रास्ता खेत नहीं पे नहीं पहुँच पा रहा। दूसरी बात नालियन की दिक्कत है, नाली बन गई। इस गांव में स्कूल कहां तक है? स्कूल पास 5 तक है, 5 तक स्कूल हैगा। चलिए आगे और भी सज्जन जी हमारे भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। रास्ता निकलने के लिए बहुत परेशानी है, बच्चे पढ़ने जाते हैं तो गंदगी इतनी ज़्यादा है, बरसात में तो निकल नहीं पाते हैं, कपड़ा ऊपर करके निकलते हैं। तो इसकी शिकायत आपने जो आपके विधायक हैं, उच्च अधिकारी हैं, प्रधान हैं, यहाँ के जो भी हैं, उनसे आपने इनकी बारे में उनकी चर्चा की? इस बारे में बोल ली, सबसे बोल ली। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं। विधायक तो अब आए वोट मांगे, अब को ना तो इस तरह के वादे करके वोट मांगने आएंगे तो आप झूठे वादे कर रहा है। वोट लेने सबका चुका जा रहा है, फिर बाद में नहीं जाओ। वोट लेने के बाद कोई नहीं आता? देखिए भैया, यहाँ की जनता का कहना है कि वोट लेने के बाद कभी भी कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आता ही नहीं है। जनता किस हाल में जी रही है, ग्रामवासी किस हाल में जी रहे हैं, इसकी जनता से आप खुद बात कर सकते हैं। मैं सत्येंद्र कुमार मिश्रा, मार्केट संवाद से।